हेलो दोस्तों, मैं एक कहानी आप लोगों को फिर से लेके आ गई हूँ। बचपन का प्यार। एक लड़की और एक लड़का, बचपन में ही दोनों एक गांव में ही रहते थे और दोनों एक स्कूल में पढ़ने भी लगे। पढ़ते पढ़ते उन लोगों की लंबी लव स्टोरी हो गई। अब जब वो बड़े हो गए तो उनको उनके पेरेंट्स ने शादी के लिए कहा, लेकिन लड़का थोड़ा गरीब था तो लड़की के घर वालों ने बिल्कुल मना कर दिया। अब जब मना कर दिया तो लड़की भी उन्हें कुछ नहीं कर पाई और फिर वो अपना सामान पैक करके कहीं दूसरी जगह रहने चली गई। उन दोनों ने भी शादी नहीं किया, लड़का भी नहीं किया और लड़की भी नहीं की। तकरीबन वो 30 साल के बाद ना कोई कांटेक्ट, ना फोन, ना कुछ, ना वगैरह वगैरह कुछ भी नहीं, दोनों का कांटेक्ट नहीं हो पा रहा। अचानक से उसे एक दिन एक गार्डन में वही उसका सलोनी नाम की लड़की मिलती है। अचानक से वो मासूम से एक टेबल पर बैठी होती है। उधर से वो मोहित नाम का लड़का भी जो उससे प्यार करता था, बे इंतहा मोहब्बत दोनों करते थे। बात ये थी कि गरीबी के कारण उसके पिता ने लड़की के शादी नहीं किए थे। दरअसल जाहिर सी बात है कि कोई अपने बेटा हो या बेटी हो, कोई भी माँ बाप अपने बच्चों को दलदल में धकेलना नहीं चाहेंगे। तो वैसे भी सलोनी के भी माता पिता ने मोहित के साथ शादी करने से इनकार कर दिया। और फिर मोहित तब गरीब था, उसने कुछ नहीं कहा और वो सीधा वहां से उठ के वो हार मान लेता है। मोहित और वो एक दिल्ली बड़े शहर में शिफ्ट हो जाता है। इत्तेफाक से सलोनी भी वही दिल्ली शहर में वो भी शिफ्ट हो जाती है और एक गार्डन में वो बेंच पर बैठी मिलती है। मोहित अचानक से उसे देखकर पहले तो वो भ्रमित हो जाता है कि सलोनी ऐसे कैसे यहाँ आ सकती है। तो फिर जब उसने पहचाना तो सलोनी भी उसे देख करके उसे रोना आ गया कि आखिर न कोई फोन न कोई मैसेज मोहित मेरे पास कैसे आ गया। देख के तो बहुत खुश हुई, बहुत अच्छी अच्छी दोनों ने बातें किया। 2 घंटे तक टाइम यूं बीत गया, उन्हें पता ही नहीं चला। उसके बाद फिर मोहित और सलोनी की घंटों बातें हो रही थी, तभी मोहित अपने ऊपर से कहता है, सलोनी मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। वो कहता है, सलोनी कहती, हाँ मोहित बोलो। मोहित कहता है, तुमने सलोनी शादी कर ली, अपने बच्चे आपके कैसे हैं, कितने बच्चे हैं, आपके बच्चे क्या करते हैं, सब कुछ मुझे ब्यौरा में बताएं। तो सलोनी कहती है, मेरी छोड़िए, आप अपनी बताओ मोहित, आपके बच्चे कैसे हैं, आप अपने पत्नी की मुझे फोटो दिखाओ। वो जिद करने लगती है। तो मोहित कहता है, मैं जो दिल में रहते हैं उन्हें फोटो नहीं दिखाई जाती है। वो फोटो दिखाने से इनकार कर देता है। सलोनी जिद किए जा रही थी, मुझे दिखाओ आपकी पत्नी कैसी है, मुझे आपकी पत्नी देखनी है। तो सलोनी के बहुत जिद करने के बाद भी मोहित फोटो नहीं दिखाता है। और फिर दोनों की बातचीत हो रही थी, अचानक मोहित के मुंह से निकल गया कि मैंने शादी ही नहीं किया। तो सलोनी भी कहती है कि मैंने ही कौन सी शादी कर लिया। दोनों की शादी वाकई में नहीं हुई थी अभी तक। उन लोगों ने ठान लिया था कि हम दोनों की शादी होगी तो
दोनों की एक साथ हम दोनों करेंगे वरना नहीं करेंगे। उसने भी नहीं किया और सलोनी ने भी नहीं किया। इत्तफाक से दोनों एक दूसरे को मिल गए। जब पूरी बात होने के बाद सब कुछ सही से चल ही रहा था, तब मोहित कहता है, क्या तुम सच में शादीशुदा नहीं हो? सलोनी कहती, नहीं मोहित, मैंने शादी नहीं किया। उसके बाद फिर मोहित कहता, तुम मेरी पत्नी की फोटो देखना चाहती थी ना, लो देख लो। उसमें उसकी वही फोटो, सलोनी की मोबाइल में वही फोटो पड़ी थी जब वो दोनों मिला करते थे, बैठते थे एक साथ। उसकी बचपन से लेके आज तक की फोटो, जब तक वो लोग साथ में थे तब तक की फोटो मोहित अपने मोबाइल पे रखे हुए था। और उसने जिद किया कि तुमको फोटो देखना है, लो देख लो सलोनी, इसमें तुम्हारे सिवा और किसी और की फोटो नहीं है, क्योंकि मैंने शादी ही नहीं किया। सलोनी भी कहती है, मोहित, मैंने भी शादी नहीं किया। तो दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ के, उन्हें बहुत रोना आता है, दोनों गले लग के खूब रोते हैं। सलोनी को भी जरा सा भी अंदाजा नहीं था कि क्या मोहित मेरे लिए इतनी बड़ी पूरी जिंदगी अपनी दांव पे लगा सकता है। और सलोनी भी उस लड़के के खातिर अपनी जिंदगी अकेले ही तनहा काट रही थी। उसके बाद दोस्तों, मोहित ने जो बात कही वो एकदम से अलग बात थी। मोहित सलोनी से एक फ्लावर लेता है और उसको कहता है, आप अपनी आंखें बंद करो। सलोनी कहती है, नहीं। वो कहता है, आप अपनी आंखें अच्छे से बंद करो। और फिर सलोनी ने आंखें अपनी अच्छे से बंद किया और मोहित अपने घुटनों के बल बैठ के एक फूल तोड़ता है उसी गार्डन से, और अपने एक घुटनों के बल बैठ के उससे कहता है, विल यू मैरी मी, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? सलोनी कहती है, यस, मैं आपसे शादी करूंगी। दोनों की खुशी से शादी हो जाती है और अच्छा जीवन यापन व्यतीत करने लगते हैं। तो दोस्तों, आपको ये कहानी से क्या सीख मिली? क्या है प्यार सच्चा था क्या एक दिखावा? आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद।